हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन कुकिंग सीक्रेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का अचार। तो यहाँ पे हमने 2 केजी आम ले लिया था, उसको सबसे पहले अच्छे से हम धुल लेंगे या थोड़ी देर हम पानी में भिगो लेंगे ताकि इसकी सारी गर्मी निकल जाए। गर्मी का मौसम है तो आम भी बहुत गर्म हो जाता है। अब हम इसको चाकू से तो कटेगा नहीं, हम एक आम फरनी ले लेंगे, उससे हम आम को काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में और उसका बीज हम निकाल देंगे। बीज के नीचे एक झिल्ली का लेयर रहता है फ्रेंड्स, उसको भी हम अच्छे से निकाल लेंगे। या तो आप उसको धूप में सुखाने से पहले निकाल लो, नहीं तो जब बीज निकालने लगो तभी निकाल लीजिए। अब हम यहाँ पर सारे आम को कट कर लिया, आप देख सकते हैं उसको हमने पानी में अच्छे से धुल लिया कट करने के बाद भी। इसके बाद हमने इसको धूप में सुखा लिया है, इसको हम सारे दिन धूप में सुखाए हैं, जो लेयर नहीं निकले थे उसको हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी सूख गया है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, दोनों मिक्स करके हम रात भर भिगो के रख देंगे ताकि इसमें पानी अच्छे से अलग हो जाए। पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है फ्रेंड्स। अब हम इसको मिक्स कर लें। दूसरी साइड हम मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले में हमने लिया है देगी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, हींग, सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन, मंगरेल, धनिया और हम राई दिखाना हम यहाँ पे भूल गए हैं फ्रेंड्स, उसको हम भूनते टाइम ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने लहसुन लिया है। कढ़ाई गर्म हो गई है, कढ़ाई में हम सारे मसालों को ऐड करके अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हमने मसाले को ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छे अचार बन के तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी। इसको हम सालों भर स्टोर करके रख सकते हैं या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको बहुत सेफ्टी से अचार को रखना है, पानी के हाथ से नहीं छूना है। यहाँ पे हमने सरसों भी ऐड कर देंगे। यार सरसों हमने वहाँ पे नहीं दिखाया था फ्रेंड्स, इसको भी हम साथ में ही भून लेंगे। लाल वाली मिर्च हम लास्ट में भूनेंगे। अभी अच्छे से भून चुका है, इसको हमने निकाल लिया, उसी कढ़ाई में हमने लाल मिर्च को भी भून लिया है। अब हम सबका पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे हमने सारे मसाले का पाउडर बना रहे हैं, आप देख सकते हैं पाउडर भी बन के तैयार है फ्रेंड्स। सूखी लाल मिर्च का भी हमने पाउडर बना लिया है। अब हम इसी में लहसुन का भी पाउडर बना लें। लहसुन थोड़ा है पिस नहीं रहा है तो थोड़ा सा हम तेल ऐड करके फिर से उसका पेस्ट बना लेंगे। और दूसरी साइड हमने जितना हमको ऑयल चाहिए उतना हम ऑयल गरम कर लेंगे। इसको हमको बॉयल नहीं करना है, बस जब तक धुआं नहीं निकल जाए तब तक हमको इसको करना है। और तेल को हम ठंडा होने देंगे फिर अचार बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ठंडा कर लिया था, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें तेल में ऐड कर दिए हैं हींग और देगी लाल मिर्च, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। अब हम इसमें सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर दिए जो हमने पाउडर बनाया था। आम के अकॉर्डिंग आप मिर्ची ले सकते हो फ्रेंड, जितना आपको चाहिए। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करके अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने अचार में पहले से ही यूज़ किया है तो इसमें थोड़ा ही ऐड किए हैं। हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिए हैं, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम लहसुन बनाया हुआ पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमने अपना आम तैयार किया था हल्दी और नमक डाल के, उसको भी हमने धूप में थोड़ी देर सुखवा लिया था ताकि पानी उसका सूख जाए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी पानी नहीं है। जो पानी निकला था इसमें उसको हमने अलग कर दिया है, उसका यूज हमने नहीं किया है फ्रेंड्स।
अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम मिक्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी अचार बनके तैयार होता है फ्रेंड्स। इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अब हम एक एक करके सारे आम में मसाले को एडजस्ट करेंगे। इसके बाद हम डब्बे में स्टोर करके इसको रख देंगे। यहाँ पे हम मसाले को फिल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे करने पे मसाला और आम अलग अलग नहीं होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एक करके सारे आम के अचार को हम डिब्बे में रखेंगे मसाला लगा के। यहाँ पे हमने सारे अचार को एडजस्ट कर दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। इसको हम 1-2 हफ्ते धूप में लगातार सुखाते रहेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू ऑल।